नमस्कार सारेन, मेरा नाम श्रीजल गुप्ता है। मैं कैलेडोनियन स्कूल का डायरेक्टर हूँ। हमारे को लास्ट मंथ जनवरी में हमारा स्कूल को सिलेक्ट किया गया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक समिट होनी थी, इंडो यूके समिट, उसके लिए सिलेक्ट किया था। सिर्फ 15 स्कूल्स थे इंडिया से जिनको सिलेक्ट किया गया था। तो इनको लीड कर रहे थे फेमस बॉलीवुड एक्टर मिस्टर बोमन ईरानी। तो हमारे बच्चे, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये लंदन गए थे। वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, इन्होंने नॉट ओनली मतलब इंडो यूके समिट में पार्टिसिपेट किया, अपने आइडियाज शेयर किए, बट इन्होंने अपने रेजोल्यूशन लिखे, जो जिसमें से साम्या, जो ग्रेड 9 की स्टूडेंट है, इसका रेजोल्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट रेजोल्यूशन। इस मौके पे बोमन ईरानी के साथ साथ मिस्टर बॉब ब्लैकमैन, जो लंदन से मेंबर पार्लियामेंट है, प्लस मिस्टर मानवेंद्र सिंह बंगा, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूके गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड द चेयरमैन ऑफ प्रेस्टिजियस इंपीरियल कॉलेज, वो प्रेजेंट थे। अपार्ट फ्रॉम देवर अदर की पॉलिसी मेकर सच एज चेयरमैन ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो जब इनका रेजोल्यूशन सबसे बेस्ट डिक्लेयर किया, तो शी गॉट द चांस कि ब्रिटिश होमलैंड में, इंडियन हाई कमीशन में, लंदन में, इन्होंने वो रेजोल्यूशन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर्स एंड ऑनरेबल इंडियन हाई कमिश्नर टू लंदन, उनके सामने ये प्रेजेंट किया गया। और मतलब दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर सिटी, आवर स्कूल एंड इवन आवर स्टेट। तो बाकी एक्सपीरियंसेस ये बच्चे खुद शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। ये थैंक जो यू। बच्चे चयन हुआ है, जो बच्चों का क्या लगता है आपके, बाकी स्कूल के बच्चों को इससे क्या संदेश मिलेगा? देखो सर, आज वो टाइम गया जब हम चार चार दीवारों के बीच में रह के स्टडीज पे फोकस करें। ये इसलिए ये बच्चों का सिलेक्शन हुई बिकॉज इन दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द पास्ट। लेट्स से मॉडल यूनाइटेड नेशंस पे काफ़ी बार जीत चुके हैं। दिस गर्ल ओवर हेयर, ये हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस में भी कम्पीट कर चुकी है। शी वॉज वन ऑफ द रनर अप्स। तो ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव मैसेज देती है कि देर सो मच टू एक्सप्लोर पूरे वर्ल्ड में। आप रादर देन सिर्फ पठानकोट पे फोकस कर रहे हैं या पंजाब में, लेट द वर्ल्ड बी योर प्ले ग्राउंड, योर क्लासरूम। तो ये मैसेज हम देना चाहते हैं पूरे शहरवासियों को, पूरे पंजाब के वासियों को, कि डू नॉट लिमिट योर चिल्ड्रन टू अ क्लासरूम और अ ट्यूशन सेंटर, लेट द वर्ल्ड बी देयर क्लासरूम। पीएम का भी नारा है, बेटी बचाओ बेटी हाँ पढ़ाओ। जी। आज आपके साथ एक बेटी बैठी है ना, तो कैसा प्राउड कर रहे हो फिर, और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आप भी सोच सकते हो कि लड़कियां लड़कों से कम है? सर ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां लड़कों से कम है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। अभी आप कोई भी आप देख लो, लेट से पेप्सी की सीईओ थी जो इंदिरा नूई हो गए, या आप ऐसा कोई फील्ड नहीं रहा जहां पे लड़कियां एक्सेल नहीं कर रही और हमारे देश का नाम नहीं रोशन कर रही। तो अगर पेरेंट्स की ये सोच है कि कल को ये किसी और घर में इनकी शादी हो जानी है, पराया धन है, ये बहुत, आई थिंक ये बहुत अनपढ़ता का निशानी कह सकते हो आप। मेरे को लगता है कि जितना आप लड़कों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही आप लड़कियों में इन्वेस्ट करें, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज दें। दैट इज द मैसेज। एंड लड़कियां ज्यादा प्राउड फील कराती है पेरेंट्स को, दैट्स वॉट आई फील, देन बॉयज। बॉयज भी करवाते हैं नो डाउट, बट वी शुडेंट बी लिमिटिंग आर सेल्फ कि ये जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल और जस्ट बिकॉज ऑफ अ जेंडर की हम उसको उसकी पूरी स्टडीज ना करवाएं, उसको एक्सप्लोर ना करें। सो दिस इज अ मैसेज कि लड़कियों को जितना ज्यादा आप लड़कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना लड़कियों में भी इन्वेस्ट करें। है तो आपकी औलाद ही है आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम साम्या गुप्ता है और मैं ग्रेड 9 की स्टूडेंट हूँ। मैं उन चार बच्चों में से थी जिनको यूके जाने का मौका मिला। हमारी ट्रिप 8 दिन की थी और उन 8 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें ये मिली कि हम मिस्टर बोमन ईरानी के साथ पूरे 8 डेज स्टे कराए और उनके साथ हमने काफ़ी काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं, उनसे काफ़ी उनके एक्सपीरियंसेस जाने हैं एक्सेट्रा। और
हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गए थे, उधर हमने अपना रेजोल्यूशन, मैंने अपना रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। ये एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए और हमारे साथ जो मेरे फ्रेंड्स गए थे, बिकॉज़ ऐसा एक्सपीरियंस बार बार नहीं आता है। एंड जो हमने रिपब्लिक डे पे जो फ्लैग होस्टिंग करी थी इंडियन हाई कमीशन पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो गूज बम्स वाला मोमेंट था कि आप एक फॉरेन सॉइल, स्पेशली ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर आप फ्लैग होस्ट कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है, स्पेशली नोइंग कि उन्होंने हमें काफ़ी देर तक कॉलोनाइज रखा था। सो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मेमोरेबल और नॉलेजेबल था हमारे लिए। आगे क्या एम रहेगा आपका? मेरा एम तो यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करूँ, अपना बेस्ट दूँ और सबसे ज़्यादा कोशिश करूँ कि मैं इनमें जीतूँ। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और हम बहुत सारी 3 यूनिवर्सिटीज में गए थे, जो कि थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इम्पेरियल यूनिवर्सिटी एंड किंग्स यूनिवर्सिटी। और हमने रिपब्लिक डे हाई कमीशन पे फ्लैग रेस किया था, जो कि बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए भी। हेलो, मेरा नाम ईशान है। हम वहाँ पे काफ़ी लोगों से मिले, मैनी फेमस पीपल। द बिगेस्ट थिंग वी लर्न देयर वॉज सक्सेस इज नॉट समथिंग यू कैन अचीव ऑन योर ओन। फॉर सक्सेस यू नीड हार्ड वर्क। तो डेफिनेटली हम सबको ये थोड़े लेसन्स मिले दैट वी शुड वर्क हार्ड, एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। वी गॉट टू सी how things work in different countries, how things work in a higher level in the parliament.